आप मुझसे पूछेंगे कि एडवर्ब और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर मेरे को पता है कि हर बार एग्जाम में 80 से मार्क्स ज्यादा कैसे लाने हैं। मैं हमेशा लाया हूँ, मैं आपको अपना रिजल्ट का प्रूफ दिखा दूंगा अगर आपको चाहिए तो। अगर आप मेरे को अभी भी क्वेश्चन पेपर दोगे ना, मैं अभी भी 80 से ऊपर मार्क्स ले आऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि यूपीएससी पूछ क्या रहा है। मैं पीएचडी करने के लिए नहीं पढ़ा, मैंने एग्जाम निकालने के लिए पढ़ा था। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पढ़ें सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए, बाकी चीजों के लिए नहीं। आपको एक और चीज बताता हूँ, यूपीएससी ने 2019 के सेकंड वाले इंग्लिश जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, क्वेश्चन हुआ था सीडीएस का, उसमें जीएस की सेक्शनल कट ऑफ 20% से हटाकर 10% कर दी थी। यानी कि अगर आपको कभी भी जीएस या इंग्लिश में अगर आपको कट ऑफ के लिए एलिजिबल होना है, तो आपको 20% मार्क लाना पड़ेगा हर पेपर में। 120 का 20% होता है 24 मार्क्स। तो यानी कि अगर आप में 100 मार्क्स में से 24 मार्क्स लाएंगे तो ही आप एलिजिबल होते हैं कट ऑफ क्लियर, कट ऑफ के बनने के लिए। तो 2019 का सेकंड वाला इतना टफ पेपर आ गया था कि यूपीएससी को 20% से हटा के 10% आने पे विवश होना पड़ा उनको। इतने कम लोग क्लियर कर रहे थे एग्जाम, इंक्लूडिंग मी, मेरा भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा था, पता नहीं इंग्लिश या फिर जीएस की वजह से। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको करना क्या है इस एग्जाम को निकालने के लिए। ये ट्रिक सभी को पता रहती है, आप इस पे अमल नहीं करते। मैं आपको इस वीडियो में जीएस के, इंग्लिश के और सीडीएस के एक्स्ट्रा सोर्स बताऊंगा जो आप लोग ध्यान नहीं देते। आपको सब लोग ये बोलते होंगे कि बस इंग्लिश में 80 प्लस ले आइए और जीएस में 25 या 30 प्लस ले आइए, आपका कट ऑफ निकल जाएगा। ये सही बात है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको प्रैक्टिस करनी कहाँ से है। अगर आपको जीएस के प्रैक्टिस सेट्स करने हैं, तो पहला आप सीडीएस के क्वेश्चन पेपर पूरे करिए, कहाँ से पूछ रहा है देखिए। दूसरा एनडीए का देखिए कहाँ से पूछ रहा है। तीसरा सीएपीएफ का देखिए कहाँ से पूछ रहा है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के एग्जाम होता है साल में एक बार, यूपीएससी कराती है वो भी, उसका भी क्वेश्चन पेपर चेक करिए। उसके बाद सीआईएसएफ का एलडीसी यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का एक लोअर डिपार्टमेंटल कम एग्जाम होता है जिसमें यूपीएससी पेपर सेट करती है। तो इस बार का सीएपीएफ और सीआईएसएफ के दोनों पेपर जो थी उसमें 3 से 4 क्वेश्चन एक जैसे थे, 2 क्वेश्चन तो सेम रिपीट हुए थे और 2 क्वेश्चन की थीम एक ही थी, यानी कि जैसे लाइसोजोम से ही पूछा है लेकिन तीसरी लाइन पूछ रही है और सीएपीएफ में दूसरी लाइन पूछी। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप ये पकड़िए। दूसरा इंग्लिश के लिए सिर्फ सीडीएस मत पढ़िए, सीडीएस के डेली आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर एक लगा रहे हैं उसके साथ साथ एनडीए का भी क्वेश्चन पेपर देख लीजिए कि पूछ क्या रहा है। बहुत बार स्पॉट द एरर्स रिपीट होते हैं दोनों में, एनडीए में भी सीडीएस में भी। तीसरा आप लोग मैथमेटिक्स के लिए बहुत कमेंट कर रहे थे, मैंने आईएमए के लिए क्वालिफाई नहीं किया, मैंने ओटीए के लिए किया, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, मैंने 4 से 5 साल का क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया है। मेरे को एक चीज दिखी कि ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स और आपका मेंशुरेशन, ये 3-4 एरिया ऐसे जहां से यूपीएससी बहुत बार बार क्वेश्चन पूछ रही है। आप सीएपीएफ का क्वेश्चन पेपर उठाइए, एनडी का उठाइए और सीडीएस का उठाइए, देखिए यूपीएससी की थीम क्या है, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप 40 से 45% भी क्वेश्चन पेपर का देख लेते हैं कहां से पूछ रहा है और वो एरिया अपना स्ट्रांग कर लेते हैं, तो मेरे को लगता है कि आपके लिए आईएमए की कट ऑफ निकल जानी चाहिए। जैसे आप 110 तक का ओटीएम ले आते हैं, उसके बाद 40 मार्क्स अगर आप ले आते हैं मैथमेटिक्स में, तो 150-160 में आपका कट ऑफ आराम से निकल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आप ये मैथमेटिक्स के लिए करिए। उसके बाद इंग्लिश का मैंने बता ही दिया कि एनडीए और सीडीएस के दोनों आपको क्वेश्चन पेपर करने हैं डेली। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मेरे को एडवर्ब और एडजेक्टिव डिफरेंस उतना आता नहीं है। अब मेरे को हालांकि पता है क्या है, लेकिन मैं कभी ग्रामर के पीछे गया ही नहीं, मेरा कहना ये है। मैं आपको बताता हूँ कि ग्रामर और नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आप ये देखेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है उसमें कौन कौन से आते हैं, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या आता है। पहला तो पैसेज आता है कॉम्प्रिहेंशन वाला, जिसमें 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। पैसेज जो देते हैं उनमें आपको एक आंसर उठाना पड़ता है कि पैसेज का सार क्या है या फिर कवि क्या कहना चाहता है टाइप का। उसके बाद बाकी 4 क्वेश्चन पैसेज से ही रिलेटेड रहते हैं, आपको उससे आंसर निकालना पड़ता है, वो आपका ग्रामर से नहीं रिलेटेड है। दूसरा PQRS वाला, इन विच यू हैव टू अरेंज द वर्ड्स एंड मेक अ कंप्लीट सेंटेंस एंड टू ब्रिंग आउट अ कंप्लीट मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर सेंटेंस। जैसे कि 4 ऑप्शन रहते हैं आगे पीछे करके, आपको बस उसको एक सेंटेंस बनाना है, उसमें भी आपको ग्रामर नहीं चाहिए। उसके बाद देन यू गेट अ क्वेश्चन इन विच यू विल बी गेटिंग 2 ऑप्शंस ऑफ S1 एंड S6 एंड इन बिटवीन यू हैव 4 ऑप्शंस जिसको आपको अरेंज करना है और एक पैराग्राफ बनाना है, उसमें भी आपको ग्रामर नहीं चाहिए। उसके बाद एंटोनिम्स सिनोनिम्स, 10 क्वेश्चन ईच इन एंटोनिम एज वेल एज सिनोनिम्स, यानी कि 20 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। उसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेस, 10 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। आप अगर कैलकुलेट करेंगे लगभग 70% क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, लेकिन आप फिर भी ग्रामर के पीछे पड़े हैं। आप ग्रामर में आपको आते हैं स्पॉट द एरर्स में, क्लोज कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज टेस्ट में और फिल इन द ब्लैंक्स में, वो भी स्पेसिफिक आता है प्रीपोजिशन में, जैसे कि जूनियर 2 लगता है, सीनियर 2 लगता है या फिर
प्रिफर दिस टू दिस वाला, तो कुछ सेट ही चीजें जो बार बार पूछ रहा है यूपीएससी ग्रामर में भी। तो मेरे जो नोट्स हैं उसमें मैंने पर्टिकुलरली 4 या 5 पेज के नोट्स हैं, है ना, उसमें मैंने लिख रखा है यूपीएससी पूछ कहाँ से रहा है। और मैं अभी भी अगर एग्जाम देता तो मैं वही 4 पेज पढ़ता। मैंने आप बहुत लोगों को नोट्स दिए, आप उनको भी डेली सिर्फ रिवाइज करिए, डेली एक पीवाई की लगाइए, उसके साथ साथ एनडीए के भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाइए। तो ये मेरे को लगता है ये चीज आपको जाननी चाहिए थी, तो मैंने वीडियो बनाई। और इसीलिए मेरे को ये भी मेरा मानना है कि शायद इस बार का सीडीएस का एग्जाम थोड़ा इजी रहे, मतलब ये नहीं कि एकदम जो सिर्फ ल्यूशन पढ़ रहा है वो एग्जाम निकाल लेगा, पर थोड़ा आपको मेरे को लगता है कि तैयार ढंग से रहिए तो आपका एग्जाम निकल सकता है। अपन साहस रखिए, मतलब कहने का मतलब ये है। तो आई थिंक दीज ऑल थिंग्स हेल्प यू। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।